भारत नेपाल और भारत चीन सीमा विवाद बीते कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है। इस बीच नेपाली संसद के निचले सदन ने नए अपडेटेड मानचित्र को लेकर संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस नए मानचित्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के कुछ हिस्सों को नेपाली क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह नया मानचित्र तब सामने आया जब 8 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। भारत के इस विकासात्मक कार्य का विरोध करते हुए बीते 20 मई को नेपाल द्वारा नए राजनीतिक मानचित्र को प्रदर्शित किया गया। यह पहली बार नहीं, इसके पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, तब भी नेपाल ने इसका विरोध किया था। नेपाल की माने तो भारत को 1950 के दशक में इस क्षेत्र में सेना तैनात करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में भारत ने अपनी सेना नहीं हटाया तो नेपाल को यह कदम उठाना पड़ा। आपको अवगत करा दें कि कुछ दिनों पहले ही नेपाल ने आधिकारिक रूप से जारी अपने नवीन मानचित्र में उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल किया था। भारत ने इस मानचित्र को खारिज करते हुए कहा कि नेपाल द्वारा जारी यह मानचित्र ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। नेपाल ने कहा कि सुगौली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ और 2 साल के बाद 1816 में सुगौली की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है। लंबी भौगोलिक सीमा के साथ साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में नेपाल का अहम रोल है। आवश्यक यह है कि दोनों देशों को एक साथ एक मंच पर आकर कूटनीतिक माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी कार्रवाई किसी विवाद का समाधान नहीं हो सकता।